अभी भी की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जमशेदपुर में तो आग बुझ गई, मगर दहशत और तनाव का धुआं अभी भी बरकरार है। झारखंड के सबसे शानदार शहर का सबसे खौफनाक चेहरा उस वक्त सामने आया था जब शहर को शनिवार को अचानक हिंसा से घेरा देखा गया। शनिवार को शहर में दंगा और तनाव फैल गया। पुलिस ने शहर में अमन चैन कायम रखने के लिए 50 लोगों को गिरफ्तार किया और तुरंत सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इस सुलगते शहर के अमन चैन के पीछे कौन है? रामनवमी के बाद हुई हिंसा की आग अभी शांति हुई थी कि शनिवार को एक बार फिर चिंगारी भड़क उठी। आपको बता दें कि झारखंड के शास्त्री नगर में महावीर मंदिर के झंडा उतारे जाने पर विवाद हुआ और जब शहर में धुआं उठा तो हर एक की रूह कांप गई। आपको बता दें कि ये खबर जितनी तेजी से फैली तनाव उससे दुगनी तेजी से फैला। हालांकि वहां की पुलिस ने चौकसी और सतर्कता दोनों दिखाई और समय रहते ही माहौल पर काबू पा लिया। लेकिन रविवार की रात उसी मंदिर के लोग मंदिर कमेटी की बैठक कर रहे थे, तभी कुछ उपद्रवियों ने पथराव और आगजनी फैला दी और देखते ही देखते दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। फिर क्या था, दोनों समुदाय के आमने सामने आने के बाद दुकानों में आग लगाई गई और गाड़ियों को तोड़फोड़ भी किया गया। हालांकि उपद्रवियों ने पुलिस की टीम पर भी पथराव किया जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिसके बाद संपूर्ण इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। लेकिन तनाव अभी जारी है और शहर का सन्नाटा ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर जमशेदपुर को कौन बार बार जलाने की फिराक में है।